हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी लोग? आई होप सभी लोग बढ़िया होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये छोटा सा मिनी डीजे सेटअप बनाकर दिखाऊंगा। ये मिनी डीजे सेटअप आप लोग बहुत ही कम खर्चे में अपने घर पर ही बना सकते हो। इस मिनी डीजे सेटअप में आपको एक छोटा सा एम्पलीफायर भी देखने को मिलेगा और आप लोग इसमें कोई भी स्पीकर यूज़ कर सकते हो। आप लोग अपना अलग से भी कोई स्पीकर इसमें लगा सकते हो। और आप लोग अगर इसको बनाना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक देखना, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, और भी ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब बिना टाइम वेस्ट के हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम एक एम्पलीफायर बनाने वाले, जिसके लिए हमने प्रिया कंपनी की तरफ से एक एम्पलीफायर मॉड्यूल परचेस कर लिया है, जो कि एक 62 तराजी का एम्पलीफायर मॉड्यूल है। ये काफी ज्यादा पुराना है लेकिन अभी भी काफी अच्छी परफॉर्मेंस दे देता है सस्ते में, क्योंकि ये 30-35 रुपए का इजिली मार्केट में मिल जाता है। और इसमें काफी सारे कंपोनेंट लगे होते हैं फिल्ट्रेशन के लिए, कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बोर्ड नहीं है। एक आईसी लगी होती है इसमें और आप लोग इससे डायरेक्ट ट्रांसफार्मर से भी चला सकते हो। और एक ब्लूटूथ कार्ड का यूज करने वाले, जो कि हमारा ब्लूटूथ और काफ़ी ज़्यादा चिप लगाने का ऑप्शन दे देता है हमको। और या फिर आप लोग इसकी जगह ब्लूटूथ चिप का यूज़ कर सकते हो, जो कि ये छोटी सी होती है, लेकिन इसमें सिर्फ आप लोग ब्लूटूथ यूज कर सकते हो। ऑक्स वगैरह या पेनड्राइव वगैरह का ऑप्शन देखने को नहीं मिलता है। फिलहाल मैं कार्ड यूज़ करने वाला हूँ। और एक आप लोगों को वॉल्यूम नोब लेना है, मतलब वॉल्यूम लेना है, पोटेंशियोमीटर जिसको बोलते हैं, 100K का ले लेना, 50K का भी ले सकते हो। उसके बाद एक आप खाली बॉक्स ले सकते हो। फिलहाल मेरे पास ये पुराना बॉक्स है, क्योंकि मैंने एक पहले एम्पलीफायर बनाया था उसका। इसमें एक मतलब पावर का कनेक्टर और स्पीकर का कनेक्टर लगा हुआ है। आप लोग अपने हिसाब से ये सारी चीज़ें सिंपल तरीके से कर सकते हो। अब मैं आप लोग को 62 तराजी जो बोर्ड है उसके थोड़ी आईसी की पिन आउट समझा देता हूँ। इसमें टोटल 12 पिन होती हैं। इधर से गिनना स्टार्ट करोगे तो यहाँ पर 12 पिन होंगे। बोर्ड को उल्टा करोगे तो थोड़ा उल्टी तरफ से पिन गिनना स्टार्ट कर सकते हो। अब मान लो हम इधर से नहीं, इधर से स्टार्ट करते तो यहाँ पर आप लोग ट्रैक करना कुछ कंपोनेंट लगे हुए होंगे, जो इसकी पिन नंबर 7 है, वहाँ आप ट्रैक करके आओगे तो यहाँ से एक रेजिस्टेंस मिलेगा जिसकी एक लैग खाली होगी। पलट कर देखो, यहाँ पर एक जो रेजिस्टेंस लगा है पीएफ के बराबर में, इसकी एक लैग खाली है। तो इसका आपको क्या करना है, इस पर आपको जो ऑडियो कार्ड से आती है लेफ्ट राइट की, उसमें आपको लेफ्ट या राइट कोई भी आपको दे देना है। मतलब ऑडियो का जो इनपुट होता है वो यहाँ पर कर देना, और एक वायर ग्राउंड पर कहीं पर भी अटैच कर सकते हो। ये कंपोनेंट ट्रैक करना आपको आता है तो आप लोग इजिली कर सकते हो। फिलहाल यहाँ पर रेजिस्टेंस की एक ही लैग खाली है पूरे बोर्ड में, वहाँ पर दे देना है। और पिन नंबर 10 पे आप लोग अगर ट्रैक करोगे तो यहाँ पर एक कैपेसिटर होगा जिसकी जो नेगेटिव पिन है वो खाली है, तो यहाँ पर आपको स्पीकर का आउटपुट वाला वायर कनेक्ट कर देना, जो कि स्पीकर के लिए जाएगा। नेगेटिव वायर मतलब नहीं करना, यहाँ पर पॉजिटिव वायर करना है। कैपेसिटर का नेगेटिव कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आप लोग इसको बैटरी से चलाते हो इस बोर्ड को, तो जो बड़ा वाला कैपेसिटर है उसके पॉजिटिव नेगेटिव आपको बैटरी के पॉजिटिव नेगेटिव दे देने। अगर आप लोग इसको ट्रांसफार्मर से चलाते हो तो डाइवोल्ट के जहाँ पर 2 पिन खाली हैं वहाँ पर दे देना 0-12 की सप्लाई। आप लोग 0-9 के ट्रांसफार्मर से भी चला सकते हो। अभी हमने अपने बोर्ड को इस बॉक्स के अंदर फिट कर लिया है, मतलब स्क्रू की मदद से टाइट कर दिया है। और यहाँ पर एक 12 वोल्ट का कनेक्टर लगा हुआ है, क्योंकि मैं इसमें ट्रांसफार्मर नहीं लगा रहा हूँ। ट्रांसफार्मर इसलिए नहीं लगा रहा हूँ क्योंकि मैं छोटा एम्पलीफायर बनाना चाहता हूँ मिनी डीजे सेटअप के लिए। और आप लोग इसमें एक 7805 का रेगुलेटर ज़रूर लगाइएगा, क्योंकि 7805 जो है वो 12 वोल्ट या 12 वोल्ट से ऊपर जितने भी वोल्टेज होते हैं उसको आप लोग 5 वोल्ट के कन्वर्ट करके दे देगा आपके ब्लूटूथ कार्ड के लिए। आप लोग ब्लूटूथ कार्ड या चिप दोनों को 5 वोल्ट से ही चलाते हैं, तो यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव पे इसके दे देना है। इसकी पिन आउट तो आपको पता ही होंगी, पहली पिन इसकी इनपुट की होती है, बीच वाली ग्राउंड की, और जो लास्ट वाली पिन होती है वो आउटपुट की होती है, जिससे आपको 5 वोल्ट देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर इसको ऐसे कनेक्ट कर देना है। 7805 रेगुलेटर हमने इसमें लगा दिया है। और उसके बाद आप लोगों को जो कनेक्टर के वायर है नेगेटिव वाला, नेगेटिव पे कनेक्ट कर देना है, और पॉजिटिव जो स्विच के थ्रू आ रहा है उसको पॉजिटिव वाली जगह पे कनेक्ट कर देना है। देन उसके बाद आप लोगों को एक छोटा सा काम और करना है, जो ब्लूटूथ मॉड्यूल के साथ इनपुट वाला जिसमें सप्लाई वाला कनेक्टर मिला है उसको और अटैच कर लेना है। उसका नेगेटिव ग्राउंड पे कनेक्ट कर देना है, और रेगुलेटर की जो तीसरी पिन है उस पर उसका पॉजिटिव कनेक्ट कर देना है, क्योंकि इसको हमें 5 वोल्ट देना होता है। उसके बाद आप लोगों को एक LED इंटीग्रेटर भी यूज़ करना है, क्योंकि जब हम इसमें सप्लाई देंगे तो हमें पता चलता रहेगा कि हाँ हमारे एम्पलीफायर में सप्लाई आ चुकी है। आप लोग इसको दोनों तरीके से कर सकते हो। अगर आप लोग इसको 12 वोल्ट से चलाते हो तो 1K का रेजिस्टेंस लगाना, 5 वोल्ट से चलाते हो तो 230 ओम का रेजिस्टेंस लगा सकते हो। फिर उसके बाद ब्लूटूथ मॉड्यूल को हमने जो बॉक्स लिया उसको उसके हिसाब से कटिंग करके ब्लूटूथ कार्ड को हमने लगा दिया है।
ब्लूटूथ कार्ड को लगाने के बाद इसमें जो हमने एक कनेक्टर लगाया था उस कनेक्टर को लाल वाले कनेक्टर में लगा देना जो कि 5 वोल्ट का होता है। देन उसके बाद इसके साथ आप लोग को एक और कनेक्टर मिला होगा जो कि 3 पिन वाला होता है, 3 पिन वाले को 3 पिन में लगा देना है। और ये जो 3 पिन वाला कनेक्टर होता है इसमें टोटल 3 वायर होते हैं, लेफ्ट ऑडियो, राइट ऑडियो और ग्राउंड का। इसमें से आप लोगों को एक वायर कट कर देना होगा, लेफ्ट का कर दो या फिर राइट का कर दो। ग्राउंड और लेफ्ट का मान लो रखते हैं हम, राइट वाला कट कर देते हैं, लेफ्ट और ग्राउंड का रखते हैं। और इसके बाद आप लोग को एक वॉल्यूम लेना पड़ेगा जो कि हमने 100K का लिया था। तो इसकी पिनआउट आप लोग समझ लो, इसकी पिनआउट जब आप लोग इस वॉल्यूम को ऐसा पकड़ोगे तो पहली पिन इनपुट की होगी, दूसरी आउटपुट की होगी, तीसरी ग्राउंड की होगी। तो जो इसकी पहली वाली पिन है उसमें हम जो कार्ड से लेफ्ट का सिग्नल आ रहा है उसको कनेक्ट कर देंगे, बीच वाली पे इसका एक बार निकाल के आउटपुट कर देंगे, और जो कार्ड से ग्राउंड आ रहा है उसको तीसरी वाली पिन पे कनेक्ट कर देंगे। तो इस तरह से इसके कनेक्शन है, हमने बीच वाली पिन से एक वायर निकाल लिया जो कि आउटपुट का है और लास्ट वाली पिन से एक वायर निकाल लिया जो कि ग्राउंड का है। ये दोनों वायर अब हमारे एम्पलीफायर मॉड्यूल पे चले जाएंगे, तो वॉल्यूम और जो ब्लूटूथ मॉड्यूल है उसके कनेक्शन कंप्लीट हो चुके हैं। बाकी के कनेक्शन थोड़े से बचे, स्पीकर आउटपुट के बचे हैं और सप्लाई उप्लाई वगैरह तो हमने कर ही ली। बस हमारा एम्पलीफायर मॉड्यूल रेडी है, एम्पलीफायर बन के भी रेडी हो चुका है। इस तरह से हम वॉल्यूम भी कस देंगे इसमें। अब आप लोगों को वॉल्यूम से जो हमने 2 तार निकाले थे वो कनेक्ट करने हैं एम्पलीफायर मॉड्यूल पे। पिन नंबर 7 पे जो रेजिस्टेंस खाली था, रेजिस्टेंस की लैग खाली थी, वहाँ पर जो वॉल्यूम का जो बीच वाली पिन थी उससे हमने सफ़ेद तार निकाला था उसको कनेक्ट कर देना है। और जो एक नेगेटिव वायर निकाली थी, ग्राउंड वाला वायर, वो एम्पलीफायर मॉड्यूल के ग्राउंड में कहीं भी कनेक्ट कर देना है, क्योंकि ग्राउंड के काफ़ी सारी जगह होती हैं, बहुत जगह ग्राउंड फैला होता है। तो यहाँ पर हमने इसके कनेक्ट कर दिए। अब ऑडियो इस पर इनपुट हो चुकी है, अब स्पीकर के लिए वायर कहाँ से कनेक्ट करना है। पिन नंबर 10 से जो एक कैपेसिटर की नेगेटिव लैग खाली थी वहाँ पर स्पीकर का पॉजिटिव कनेक्ट करना है, और ग्राउंड आप लोग कहीं पर भी दे सकते हो। बस यही सिंपल से कनेक्शन है, पिन नंबर 7 और पिन नंबर 10 आप लोग याद रखना। बस इसी तरह से इसके सिंपल कनेक्शन है। आप सारे कनेक्शन इसके कंप्लीट हो चुके हैं। एम्पलीफायर मॉड्यूल को बंद करो, एम्पलीफायर को बंद करो, और पावर दो इसमें, मतलब 12 वोल्ट का आप लोग इसमें इनपुट दे सकते हो, और बस एम्पलीफायर को चलाओ। सो दोस्तों, इतनी मेहनत के बाद हमारा एम्पलीफायर बनकर रेडी हो चुका है, जो कि कुछ इस तरह से दिख रहा है। छोटा है लेकिन पावरफुल भी काफ़ी ज़्यादा है। इसमें आप लोग इस वाले कनेक्टर से 12 वोल्ट इसमें दे सकते हो, पॉजिटिव सप्लाई देना है, इसमें पॉजिटिव देना है क्योंकि हमने कैपेसिटर पे कनेक्ट करा है। अगर आप लोग इसमें ट्रांसफार्मर लगाते तो इसका साइज बढ़ जाता, आप लोग ट्रांसफार्मर भी लगा सकते हो। तो फिलहाल मैं अलग से एक 12 वोल्ट की सप्लाई इसमें दे रहा हूँ, और सप्लाई देते इसमें ब्लू कलर की LED जल गई क्योंकि इसका स्विच ऑन था। स्विच ऑन करने के बाद ब्लू कलर की LED जल जाती है, और ब्लूटूथ कार्ड में भी सप्लाई आ चुकी है। तो ये है हमारा स्पीकर, इसको हम इससे बजाने वाले। स्पीकर के पॉजिटिव नेगेटिव बाहर जो कनेक्टर लगा है एम्पलीफायर में उस पर कनेक्ट कर देना, फिर हमको इसको ब्लूटूथ से कनेक्ट करना है अपने फ़ोन से, और फिर मस्त गाने बजाने। अब आप लोग इसकी टेस्टिंग सुनो, हेडफोन भी लगा सकते हो, टेस्टिंग सुनने के लिए बेटर एक्सपीरियंस चाहते हो तो। Thank you.